नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जो 10 साल ये टीएमसी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, पश्चिम सारा पश्चिम बंगाल में कुछ काम नहीं हुआ है, और आसनसोल दक्षिण में जहाँ भी जा रहे हैं उधर पानी का इतना समस्या, इतना प्रॉब्लम। अब दो दिन पहले आपको मालूम है कि टीराट कोलियारी में, टीराट गांव में पंप में आग लग गया था, वो केबल में। फिर डीएम से बात करके कुछ करके हम लोग उसको ठीक किए। ऑलमोस्ट 24 आवर्स पानी नहीं था, लेकिन कॉरपोरेशन पानी भेजे, पाइप ठीक हुआ। तो टीम वर्क से हर कुछ होता है, हर समस्या का समाधान होता है। 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। आज पानी का समस्या बोलिए, आज बिजली का समस्या बोलिए, आज ड्रेन का समस्या बोलिए, आज बाथरूम का समस्या बोलिए। गाँव के महिलाओं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं, बच्चे बाहर में जाना पड़ता है गाँव बाथरूम के लिए। बट माननीय प्रधानमंत्री करोड़ों रुपया भेजे हैं ये शौचालय के लिए, करोड़ों रुपया भेजे हैं घर के लिए। सारा खा गए, सारा पैसा खा गए, गरीबों का पैसा खा गए, आमफान का पैसा खा गए, कुछ काम नहीं। ड्रेन आधा जगह में ड्रेन नहीं है, जहाँ पर नाली है घर के महिला बाहर रह के बोले दीदी आप कुछ करिए, नाली को सफा कर दीजिए। सालों हो गया नाली सफा नहीं हुआ है, गंदा से भरा हुआ है, सफा नहीं है। क्या कर रहा था कॉर्पोरेशन, एकदम भट्टी और सामने में मॉनसून बारिश आ रहे, वो गंदा पानी घर में घुसेगा। अभी कोरोना से हम लोग जूझ रहे, अभी तक हम लोग मुक्त नहीं हुआ है। अभी अगर डायरिया, डेंगू ये सब चालू हो जाएगा फिर कहाँ जाएंगे। तो समस्या बहुत है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। रास्ते, आप रास्ता देखो गांव में जाकर, कोई रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है। हम प्रचार में जा रहे हैं ना, मेरा टोटो में हम प्रचार कर रहे हैं, एकदम घुटघुटा अंधकार, एक भी लाइट नहीं दिया है। क्या कर रहे हैं लोग, 10 साल में क्या काम किए हैं। तो बहुत सारा काम करना बाकी है। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे, हम सिर्फ आसनसोल साउथ वासी के लिए सिर्फ डेवलपमेंट के बात करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। दीदी, दूसरा सवाल, चुनाव प्रचार के दौरान किसी तरह की समस्याएं टीएमसी की तरफ से? समस्या है, अभी 2-3 जगह में मीटिंग करने गए फिर करंट ऑफ कर दिया। अब वो लोग किया है ना, कोइंसिडेंस हो गया ये मालूम नहीं है। दीवार लिखन में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितना दीवार लिखन में प्रॉब्लम करेगा। बंगाल के लोग डिसाइड कर लिया है कि अभी परिवर्तन चाहिए। अब जितना माननीय प्रधानमंत्री भी अगर बोले ना कि भाजपा को मत दीजिए, तो भी वो लोग नहीं सुनेगा। भाजपा को तो आना ही है, क्योंकि बंगाल के लोगों को मालूम चल गया कि सुशासन अगर चाहिए, अगर बच्चे को, घर का बच्चे को नौकरी चाहिए, अगर घर का परिवार, पिताजी माताजी को स्वास्थ्य सेवा चाहिए, तो एकमात्र ऑप्शन इज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा। ये समझ में आ गया, অসম্ভব ব্যাপার নয়। 200 পার হবেই, 200 পারে কোথায় যাবে, 220-230 কোথায় ঠেকবে জানি না। তার মধ্যে উল্টি নিশ্চিত ভাবে উল্টি উল্টি Where are we going in?
जो लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं क्या वो वोट कन्वर्ट हो पाएगा वोट में? देखिए मेरे लिए प्यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वोट तो अभी वोट का टाइम है बोल, लेकिन मुझे हमेशा ममता बनर्जी ने बोला है कि शायद दिल जीत हो लोगों का, वोट तो आएंगे वोट आ जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन दिल जीतना बहुत जरूरी है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। तो सेल्फी वोट में ट्रांसलेट होगा कि नहीं वो तो लोग सेकंड मई को देखेंगे, लेकिन ये कौन सी कम बात है कि इतना प्यार मिलता है। आप लोग तो दिल जीत रहे हैं, लेकिन आप लोग वोट प्रचार के दौरान जिस भाषा का शब्द का जो यूज कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा हूं। आपको अपोनेंट कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बोला मैडम। बीजेपी आज बहुत सुंदर दिन है, मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना। अच्छा, तो बीजेपी प्रत्याशी ने आप पर अभद्र टिप्पणी किया, इसका आप क्या कहना है? वो अभद्र है, अभद्र की टिप्पणी किया, मैं क्या बोलूं? मेरी माता जी यहाँ पर चले गए, जिस बिलो माई डिग्निटी टू कॉमेंट करना रहा था। अगर आप यहाँ से कामयाब होंगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? ममता बनर्जी के पैर छूंगी, मेरी माँ के पैर छूंगी, और जो वादा किया है आसनसोल दक्षिण वासी से उसको निभाने के लिए एक पहले दिन से जुट गए। मैम, भाजपा ग्रामीण के जो नेता है आसनसोल ग्रामीण के, उनको कहना है कि अभी कुछ दिन पहले आपका एक झगड़ा हुआ था होली को लेकर, वहाँ पर एक आपका तिरमूल कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ, लेकिन आप वहाँ उनका घर नहीं पहुँचे, तो आज आप वहाँ नहीं पहुँचे तो कल आप कैसे पहुँचे? भाजपा के लीडर्स क्या बोल रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, वो हम संभाल लेंगे, उनकी टिप्पणी की ज्यादा फर्क तो मैं बोलूंगी नहीं, बोला ये भी हेक्टिक था, ये भी हेक्टिक है, लेकिन तब वो मेरे बारे में थी और अभी जनता के बारे में है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व बहुत ज्यादा है, और अभी मौसम ऐसा है कि दौड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, लेकिन मेरे साथ इतने सारे लोग हैं कि उनको देख के एनर्जी मिलती है मुझे, तो आगे मौका मिले। चैलेंज आपके लिए जिंदगी चैलेंज है, जिंदगी से बड़ी चैलेंज कुछ होती है। ऑफिशियली 12 तारीख इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगी कि मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनका जो प्रोसेस है फॉर्मेलिटीज है जो 12 तारीख इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैंने एक सर्टिफिकेशन अपना तरफ से पार्टी की तरफ से भी सारा जो कार्रवाई है। जो आज ऑर्गेनाइज किया ये कैसा लगा? सब बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर, हमको तो कुछ आइडिया नहीं था इतना सिस्टमेटिक और इलेक्शन का पीछे इतना आदमी का सहयोग रहता है, इतना आदमी का एफर्ट, इतना परेशान है सब, इतना बहुत सुंदर लग रहा है, ये इतना जानकारी भी होना चाहिए, इसमें बहुत सिस्टम से हम लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं उसका पीछे इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, ये चीज सबको जानना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक तो चाहे जिला का उन्नयन हो, এলাকার উন্নয়ন হোক, ভোটার কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে এলাকায় 44 বছর ধরে বিশেষ একটা রাজনৈতিক দল প্রতিনিধিকে তারা জিতে পারেছেন, কিন্তু এলাকায় কিছু উন্নয়ন হয়নি, উন্নয়নের নামে খালি ধাপ্পাবাজি ধোকাবাজি হয়েছে। তাই জামুরিয়ার মানুষ এইবার চাইছেন যে মোদীজির নেতৃত্বে দিল্লিতে যে সরকার, সেই সরকারের সুফল পাওয়ার জন্য জামুরিয়াবাসী উদগ্রীব হয়ে আছে, তাই তারা চাইছেন যে জামুরিয়ার থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজয়ী হয়ে এখান থেকে পশ্চিমবাংলায় যে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার হবে সেখানে জামুরিয়ার প্রতিনিধিত্ব তারা চাইছে। আপনার লড়াইটা কেমন হচ্ছে এখন, কেমন হবে লড়াই? রাজনৈতিক লড়াই সবসময় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে করা উচিত, এবং আমরা তাই, আমি অন্তত তাই করছি। কোন কোন দলের, দুটি দলের সঙ্গে কি আপনি লড়াই মনে করছেন? দুটি কেন, যত রকমই দল থাকবে, রাজনৈতিক লড়াই সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গেই লড়াই। জেতাতে কতটা আশাবাদী? সম্পূর্ণ 100% আশাবাদী। কি করবেন জেতার পরে? প্রথম কাজ জেতার পরে এলাকার উন্নয়ন, প্রথমে চাষি খেত মজুর, এলাকার বেকার যুবক, তাদের সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা, দূষণ এলাকা, এলাকার উন্নয়ন, সমস্ত বিষয়ে চিন্তা ভাবনা আছে।